नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पे। महानार में अहले सुबह पेड़ से लटका मिला विकी का शव, रालोसपा नेता ने की परिजनों से मुलाकात। वैशाली जिला ब्यूरो प्रभंजन कुमार मिश्रा के साथ प्रशांत प्रकाश की रिपोर्ट। वैशाली के महानार जंदाहा मुख्य मार्ग पर प्रखंड के सामने मिले व्यक्ति के शव मामले में रालोसपा ने गंगा राय ने मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी ली और हर संभव मदद का भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वैशाली जिला में और खासकर बात की जाए तो महानार में जिस तरह से आपराधिक घटनाएं बढ़ रहे, वैसे में यह स्थानीय प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती हैं। वैशाली एसपी के तबादले के बाद भी यहां क्राइम का ग्राफ नहीं घट रहा। उन्होंने महानार के साथ साथ हाजीपुर में भी हुए हत्या मामले में प्रशासन को घेरते हुए कहा कि बिहार में सिस्टम फेल है और प्रशासन लाचार, ऐसे में जनता की सुरक्षा भला कौन करेगा। महानार में हुए घटना मामले में उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में पुलिस लापरवाही बरतती है तो वह घटनास्थल से लेकर हाजीपुर एसपी ऑफिस तक पैदल मार्च करेंगे और बिहार की सोई सिस्टम को जगाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो वहाँ का प्रत्यक्ष कहता है, इतना मोटी डाल में गंदगी में खाली रस्सा बना हुआ है, ई पर कसा हुआ है पीछे, ई खाली है, अब पैर सटा हुआ है, आत्महत्या नहीं हुआ, फांसी नहीं हुआ, उसको कहीं से मार कर घर में मार करके, यदि वहाँ से उठाता हल्ला होता घर में मार करके और अपना साबूत छिपाने के लिए ऐसा किया गया है। क्या कारण था आप वहाँ पे पहुँचे, लोगों से मिले, परिजनों से मिले, क्या मतलब जानकारी मिली कि किस तरह का? अरे उसके पिताजी से भेंट किए, पिताजी रामस्वरूप सिंह से। रामस्वरूप सिंह बताया जो पाँच बेटा है, सबसे बेटा पहला सुनील है, और लोग बताए इतना शर्मिलू था जो किसी को आइडिया तक के नहीं कहा। ये समाज के लोग बताए, वो बताए कि जब हम आते थे उठाते थे उठता था, रात हम दवाई ववाई खिला के सुला दिए हैं और सुबह हमको 7 बजे से लोग को पता हुआ। जहाँ पे डेड बॉडी मिला, मुख्य मार्ग है जंदाहा महानार मुख्य मार्ग अनुमंडल के पास ही है, तो ऐसे जगह पे अगर होता है, अनुमंडल और प्रखंड के बीच में है, तो ऐसे जगह पर अगर कोई हत्या होता है और जिस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, क्या लगता है? सरकार फेल है, प्रशासन क्या हम कहें? बार बार मैं कहता हूँ कि महानार में अफसरशाही है, जनता में मची तबाही, जब अनुमंडल और प्रखंड के बीच में मर्डर होता है, मर्डर टांगता है, तो क्या इसके बारे में हम कहेंगे? सरकार तो निकम्मी है, अब सरकार के बारे में कुछ कहना ही हमको बेकार है, लाजिम लगता है इसे कुछ कहने में। अब कौन शब्द से इसको संबोधित करें, कौन गलत संबंध से शब्द से, हमको पता नहीं चलता क्या है। क्या प्रयास किया जाए क्राइम रुके, जिस तरह से महानार में जो पूरे बिहार में वैशाली जिला में ही महानार में सबसे ज्यादा मर्डर होता है, कोई महीना नहीं है 2-3 मर्डर नहीं होता। इसको रोकने के लिए कुछ तो उपाय? अरे प्रशासन खत्म है, पुलिस प्रशासन खत्म है, ऐसा ऐसा कह कह हुआ लेकिन कुछ नहीं करता है पुलिस प्रशासन। आवाज तो हम कह दिए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से हम मिलेंगे और कहेंगे जी इसको हम लोग लड़े, हमारी पार्टी लड़े, उनका आदेश होगा तो मैं 2 आदमी का परमिशन लूंगा, पैदल जहां लटकाया स्थल से वहां से मैं पैदल हाजीपुर एसपी साहब से मिले जाएंगे। मैं ठान लिया हूं कि मैं पैदल जाऊंगा, एक उनके गोतिया जाएंगे राकेश कुमार सिंह हसनपुर के, ये बहलोलपुर के वासी हैं, अरे मैं जाऊंगा, उसके पीछे जितना आदमी जाए उसके हमको गारंटी नहीं है, हम तो 2 आदमी का परमिशन लेंगे डीएम से एसपी से। मतलब अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो आप पैदल मार्च करेंगे उनके लिए? न्याय नहीं मिलेगा और 10 लाख रुपया नहीं मिलेगा, परिजनों के सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा, हत्यारा को गिरफ्तारी नहीं होगा, बाद होगा हम क्या करेंगे? बहुत पैसा हम करके देख लिए, कोई प्रशासन है कोई जगता नहीं, नए एसपी आए हैं, 2 मर्डर, एक हाजीपुर मर्डर, एक यहाँ महानार मर्डर, तो महानार तो मर्डर के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, पूरे वैशाली महानार रिकॉर्ड करता है, बगल में जंदा है माओवादी है, कहाँ कुछ एक मर्डर होता है, कहाँ किसी को चोरी होता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रदेश महासचिव गंगा राय।